हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय स्टडी मेडल है चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने और समझने वाले हैं कार्यपत्रक उनचास यानी वर्शीट नंबर फोर्टी नाइन की जो क्लास नाइन्थ के सामाजिक विज्ञान का दगत इतिहास से संबंधित है जो दिनांक बाईस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस के लिए शेड्यूल की गई है और जिसका विषय है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रूसी क्रांति तो बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था अगर हम बीसवीं शताब्दी के पूर्वाध की बात करें तो उस समय रूस जो था यूरोप में सबसे पिछड़ा औद्योगिक देश में गिना जाता था और इन स्थितियों ने समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने में मदद की फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता था जो फरवरी 1917 में राजशाही का ख़ात्मा हुआ और अक्टूबर महीने में जो घटनाएं घटी, उसी को रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है रूसी क्रांति से पहले तो बच्चों मास्को की आसपास पास पढ़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड लातविया लिथुआनिया इस्तोनिया तथा पोलैंड यूक्रेन तथा बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे मतलब रूसी क्रांति यानी कि 1917 से पहले की बात हो रही है तो मास्को के आसपास का जो क्षेत्र था ठीक है और उसके अलावा फिनलैंड लातविया लिथुआनिया इस्तोनिया तथा पोलैंड यूक्रेन बेलारूस के कुछ हिस्से जो थे वो रूसी साम्राज्य के अंग थे यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया आर्मेनिया तथा अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे रूस में ग्रीक आर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी आर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक प्रोटेस्टेट मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था जो रूसी सम्राट था रूस का राजा था जार निकोलस द्वितीय वो निरंकुश शासक था और मध्यम वर्गीय उदारवादियों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे रूस में राजनीतिक दल अवैध थे मतलब रूस में जो राजनीतिक दल दल थे वे अवैध थे उन मान्यता प्राप्त नहीं थी और और राजा जो था वहाँ का जार निकोलसदती वो एक निरंकुश शासक था और मध्यम वर्ग के जो उदारवादी जो थे उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए थे सामाजिक और आर्थिक जीवन ये सब कुछ चीज़ें हम लोग रूसी क्रांत से पहले के बारे में देख रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसी थी तो लगभग 85 परसेंट जो पॉपुलेशन थी वो आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे केवल बड़े किसानों के पास अपनी ज़मीनें थी विशाल संपत्तियों पर सामंतों राजशाही और आर्थोडास्क चर्च का कब्जा था जो संपत्तियां थीं विशाल रूप में उस पर मुख्य रूप से सामंतों का राजशाही और आर्थोडॉक्स चर्च का ही कब्जा था साधारणतया किसानों और जमींदारों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे किसान लगान न चुका न चुकाने और भूमि के स्वामित्व के लिए विद्रोह भी कर चुके थे अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल ही उपज पाती थी सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे यहाँ लौह और इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ा जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे वे थे सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को और यहाँ पे मुख्य रूप से जो उत्पादन बढ़ा वो लौह और इस्पात का उत्पादन बढ़ा मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी यहाँ पर उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था अधिकांश मजदूर अपने गांव से जुड़े थे जो फसलों की कटाई के समय अपने गांव को लौट जाते थे यहां के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी जमीनों को अपने कम्यून यानि कि मीर को सौंप देते थे और सामूहिक खेती किया करते थे इसी सामूहिकरण की भावना के चलते यह समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक आधार बन गया यहाँ के जो किसान थे वे समय समय जो पारंपरिक रूप से जो सारी जमीने थी वे कम्यून को यानि कि मीर को सौंप देते थे और फिर सामूहिक रूप से खेती उस पर करते थे और यही आगे चलकर समाजवादी जो क्रांति हुई उसका आधार बना उदारवादी सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और वे एक समाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे यानी कि जार निकोलस दुतीस से हर कोई परेशान हो चुका था वो काफ़ी निरंकुश था ठीक है और वहाँ की जनता ये चाहती थी कि हमारे देश में भी समाजवादी शासन आए और संसदीय शासन चले रूस में समाजवाद तो देखिए अठारह में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया अठारह में एक पार्टी का गठन हुआ और उस पार्टी का नाम था रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया किसानों ने क्या किया उन्नीस सौ ईस्वी में एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी को दो हिस्सों मेन सेविक यानी कि अल्पमत और बोल सेविक यानी कि बहुमत में विभाजित हो गई जो अल्पमत यानी कि कम लोगों का जहाँ पे था वो थे मेन सेविक और बोल सेविक यानी जो बहुमत में थे वो बोल सेविक के नाम से दो पार्टियाँ बनी बोल सेवकों का नेतृत्व तो लेनिन कर रहा था जो बहुमत वाले थे जिसमें ज़्यादा लोग थे तो बोल सेवकों का नेतृत्व तो लेनिन कर रहा था जिसे लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन के हिस्सा नहीं हो सकते आज की वर्कशीट में कुल चार प्रश्न हैं तो आइए इन प्रश्नों के आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं पहला प्रश्न है रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं व्याख्या कीजिए इसमें लिखेंगे 1917 की रूसी क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है इसके परिणामस्वरूप जो रूस के जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई यह क्रांति दो भागों में हुई मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में जो अगला प्रश्न है वह है रूसी क्रांत से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की व्याख्या कीजिए तो इसमें हम लोग लिखेंगे लगभग 85 परसेंट जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी विशाल संपत्तियों पर सामंतों राजशाही आर्थोडॉस चर्च का कब्जा था किसानों और जमींदारों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे इसी में लिखेंगे अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल की उपज हो पाती थी इसमें और चीजें भी जोड़ सकते हैं चौथे नंबर हम लोग लिखेंगे सेंट पिट्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक के केंद्र थे यहाँ लौह एवं इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ा मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी उदारवादी सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे क्योंकि आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी और वे एक समाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे जो तीसरा प्रश्न है वो है रूसी लोकतांत्रिक पार्टी में विभाजन क्यों हुआ तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यह पार्टी एक राजनीतिक दल था जिसका गठन मिस्क में एक मिस्र में सन अठारह में विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों को एक पार्टी के रूप में एकजुट करने के लिए किया गया था पार्टी का बाद में बोलसेविक और मेंसेविक नामक दो घड़ों में विभाजन हो गया और इसका विभाजन होने का मुख्य कारण पार्टी में अलग अलग विचारधारा का होना था मेंसेविक संसदीय प्रजातंत्र के समर्थक थे जो कि अल्पमत में थे परंतु बोल सेविक देश में एक नवीन क्रांति लाना चाहते थे जो बहुमत में थे और जिसके समूह का नेता जो जो था था। वो लेनिन लास्ट प्रश्न है वो है रूसी समाज में समाजवादी विचार की जड़ें रूसी क्रांति के पहले से ही बहुत गहरी थी व्याख्या कीजिए इसमें लिखना है रूस की क्रांति 1917 सौ ईस्वी में हुई लेकिन रूस की क्रांति से पहले ही समाजवादी विचार की जड़ें फैल चुकी थी 1870 तक पूरे यूरोप में समाजवादी विचारधारा फैल गई थी इसमें एक दो तीन करके ऐसे लिखेंगे इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी अपनी जीवनी और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनना शुरू कर दिया था दूसरा लिखेंगे अठारह में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया इसमें आगे जोड़ेंगे इसमें वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी दो हिस्सों मेन सेविक यानी कि अल्पमत और बोलसेविक यानी कि बहुमत में विभाजित हो गई देखिए जो अल्पमत वाले थे वो संसदीय प्रजातंत्र चाहते थे उसका नाम था मैन सेविक और जो बोल सेविक थे वे एक नया क्रांति का विचार लेकर आए तो ये बहुमत वाले थे और इसका नेतृत्व तो बोलसेविक का ही नेतृत्व तो जो था लेनिन कर रहा था बोल सेविकों का नेतृत्व तो लेन इन कर रहा था जिसे लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन के हिस्सा नहीं हो सकते तो बच्चों इसी के साथ आज की ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक